हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। आज की रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन से, या डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, या ब्लॉक सिचुएशन है, उन्होंने आपको या आपने उनको गुस्से में ब्लॉक कर रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन का मैसेज आपको कब तक आ सकता है, क्या उम्मीद है, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेंडुलम से कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपको कब तक रिसीव हो सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और मैं रीडिंग शुरू करूं उसके पहले आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर अपने माइंड में लीजिए, उनका नाम, उनकी फ़ोटो या उनकी इमेज अपने आँखों में आप ज़रूर से याद कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेजेस कब तक आ सकते हैं मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आपके पर्सन के मैसेजेस कब तक आ सकते हैं, क्या मैसेजेस आने के चांसेस हैं, येस और नो? स्ट्रेट है येस की तरफ, इट्स ए येस। देखिए स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। मैसेजेस तो ज़रूर आएंगे, कब तक आएंगे एंजल्स, कितना टाइम लग सकता है, कितने डेज लग सकते हैं? यहाँ पे जो एनर्जी है आपको बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है या पाइसेस है, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, लियो, जेमिनाई, इन राशि वालों को मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक या मोस्ट प्रोबेबली 15th अगस्त के पहले मैसेजेस आ जाएंगे। 9 डेज की एनर्जी है गाइस। यहाँ पे एंजल्स आपको फ्राइडे दिखा रहे हैं, ट्यूसडे दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ट्यूसडे या फ्राइडे को मैसेजेस आ सकते हैं। कमिंग ट्यूसडे, कमिंग फ्राइडे, इस रीडिंग के बाद जब भी आएगा, बहुत सारे, देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगस्त में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीध में यहाँ पे अगस्त है जहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे थे, और एंजल्स स्ट्रेट दिखा रहे थे, यहाँ पर यस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ अगस्त तक, अगस्त में ही 9 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली 15 अगस्त तक, आज से 9 दिन, आज कौन सा तारीख है आई डोंट नो, मैं भूल जाती हूँ गाइस, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे, क्या तारीख है आज, 5 तारीख है, हाँ, तो आज से 9 दिन, ठीक, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त तक काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे। 9 दिन के अंदर, 9 घंटे के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ट्यूसडे, जो कमिंग ट्यूसडे है या जो कमिंग फ्राइडे है तब आ सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट से लेंगे हम कुछ मैसेजेस। अरे वाह, पहला ही कार्ड यहाँ कमिटमेंट का आया है, बट अभी मैं प्रे करूँगी उसके बाद कार्ड लेंगे, तो भगवान करे आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाए। वाह वाह वाह, यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त? हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखिए जिसको आना होता है वो वापस आ जाता है, मैंने इसको रख दिया था एक विश्वास के साथ कि आना होगा तो आ जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ अगेन कमिटमेंट एंड विद द लव कार्ड। तो आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए बहुत ही प्यारे हैं। वी हैव कंपैटिबिलिटी, वी हैव द गार्डन एंड वी हैव लव विद कमिटमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, बहुत समय से सोच विचार कर रहे हैं, बहुत समय से हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। इस वजह से हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन भी हो, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है आपके पास आने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट है,
ऐसा नहीं है कि आज प्यार किया कल भूल गए, मूव ऑन कर लिए, इतना आसान नहीं है आपको भूल पाना इनके लिए। ये इवन आपके साथ नहीं भी हैं, दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी इनकी यादों में आप हैं। देखिए यहाँ पर ये पर्सन है जो पूरी तरह से खोया हुआ है किसी की यादों में। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी लेवल है वो इनका किसी और के साथ नहीं है। आपके साथ ये बहुत बिना किसी जजमेंट के रहती हैं या रहते हैं, बिना कुछ सोचे कि मतलब लोग क्या कहेंगे या आपको कैसा लगेगा, ये कैसे खाना खा रहे हैं या इनका रहन सहन कैसा है, ये कितनी मतलब बिल्कुल भी कोई बनावट नहीं होती आपके सामने। जब ये होते हैं पूरे नेचुरल तरीके से ये आपके सामने बिहेव करते हैं, आपसे झगड़ा भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी, आपकी केयर भी करेंगे, जैसे एक फैमिली के साथ इंसान होता है, जैसे फैमिली में इंसान रहता है बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। इसलिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी लेवल की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट एंड कनेक्शन। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को आपके पर्सन नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, एक प्रॉपर एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका यूनियन होता है, इवन मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अगस्त के बाद सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो आप 9 days काउंट कीजिएगा, या आने वाला कमिंग फ्राइडे या ट्यूसडे, ठीक है। सो ये थी गाइज आज मॉर्निंग की एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।